एक बहुत लंबे समय से ये माना जाता था कि जो वास्तुशास्त्र का साइंस है ये एक इलीट क्लास के लिए रिजर्वड है, और अब टाइम चेंज हो चुका है और वास्तुशास्त्र का फायदा हम सभी को होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर हमारी जिंदगी पे जरूर पड़ता है। और आज इसी टॉपिक में हम बात करेंगे कि घर में लगाने वाली वॉल क्लॉक या फिर दीवार घड़ी को घर में किस दिशा में लगाना चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्या गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले जो वॉल क्लॉक होती है इसको समझें, ये समय है। समय यानी कि अपॉर्चुनिटी, टाइम इज इक्वल टू मनी, ये हम सभी जानते हैं। अब वास्तुशास्त्र का एक फैक्ट बताता हूं मैं। जैसे कि आप देखते होंगे जो लोहार हैं, लोहे का काम करते हैं, ये भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं क्योंकि ये उनके देवता हैं। इसी तरह से जो लोग वास्तुशास्त्र का काम करते हैं, वास्तुशास्त्र का गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके भी देवता होते हैं, उनको बोलते हैं वास्तु पुरुष। स्क्रीन पे आप उनकी इमेज देख सकते हैं। वास्तु पुरुष की जो पूरी इमेज है ना, इसमें ही पूरा वास्तुशास्त्र छुपा हुआ है। आप अगर इनका माउथ देखेंगे, जो इनका हेड है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन को इंगित करता है, और जो इनका पीछे का भाग है वो साउथ की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ है। अब यहीं से सारा वास्तुशास्त्र हमारा बनता है कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज आती है, कहां से आएगी, हमारे मुंह से आएगी। इसी तरह से लाइफ की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये सारी आएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, और जाएगी कहां पे, ये घर से आपकी निकलेगी साउथ के वेस्ट डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। इसलिए वॉल क्लॉक हो गई, आपके घर का मंदिर हो गया, कोई तुलसी जैसा कोई पवित्र पौधा हो गया, ये सब कुछ के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। मैं एस्ट्रोलॉजी के करियर में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता हूं जो सुनी हो कि बस ये करते हैं तो करते चले जाइए। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को इतना अच्छा क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। और मैंने अपनी काफी सारी इंस्टाग्राम रील्स में ही आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वॉल क्लॉक भी आप लगा रहे हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को चूज करिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है कि आप नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, आप नॉर्थ की डायरेक्शन को यूज करिए। नॉर्थ की डायरेक्शन को भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है वास्तुशास्त्र में। भगवान कुबेर धन के देवता हैं, इसलिए टाइम आपका अच्छा चलेगा। साथ ही साथ एक चीज और, कई लोग देखते हैं कि आप कई लोगों के घरों में जाएंगे तो उनकी जो घड़ी है उसमें धूल पड़ी हुई है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, घड़ी को साफ ही नहीं किया गया है, घड़ी के जो शीशे हैं वो भी पीले पड़ चुके हैं, घड़ी में इतनी गंदगी हो गई है कि समय देखने में भी समस्या हो रही है, घड़ी 5-10 मिनट पीछे भी चल रही है। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एक बार तो वॉल क्लॉक काफी ऊपर लग जाती है तो उसको डेली साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर समय निकालिए, इन सब चीजों को सही करेंगे तभी लाइफ पटरी पर आएगी। आपको घड़ी को साफ रखना है, चमकदार रखना है, अपने समय की तरह। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका समय चमके, शानदार दिखे और आगे रहे, इसलिए घड़ी को 5-6 मिनट थोड़ा सा आगे करके हमेशा रखिए, पीछे तो बिल्कुल मत करिए। ऑन टाइम रख सकते हैं आप, आगे भी रख सकते हैं। एक चीज और है वॉल क्लॉक को, वॉल क्लॉक से रिलेटेड, आपको कभी भी इसको किसी भी दरवाजे, घर में कोई भी दरवाजा हो, आपका मेन गेट हो, किचन का दरवाजा हो, बेडरूम, डाइनिंग रूम, कहीं का भी दरवाजा हो, उस दरवाजे की चौखट के ऊपर घड़ी नहीं लगानी है। घड़ी आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, इन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है हमारे सोशल स्टेटस को, कि हमारा सोशल स्टेटस, हमारे जानने मानने वाली फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ कैसा रहेगा, वो हमें कैसा देखेंगे। तो ईस्ट की डायरेक्शन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। कौन सी डायरेक्शन बिल्कुल अवॉइड करनी है, तो वो डायरेक्शन है साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। इस तीनों डायरेक्शन में आपको भूल कर भी अपनी वॉल क्लॉक को नहीं लगाना है। और वीडियो एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक बोनस और मैं आपको बताता हूं रिस्ट वॉच के बारे में। वास्तुशास्त्र में हाथ में कलाई में पहनने वाली घड़ी को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। इसको इस तरह से देखा जाता है कि जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि आपको अपना समय अपने साथ लेकर चलना है, इसी तरह से घड़ी में रिस्ट वॉच आपको जरूर पहननी चाहिए। और वास्तुशास्त्र में मेटल की वॉचेस को ज्यादा अहमियत दी गई है। आप मेटल की वॉच पहनिए, गोल्डन कलर की वॉच पहन रहे हैं तो सबसे बेहतर माना गया है। अगर नहीं भी पहन रहे हैं, आप रबर स्ट्रैप पहन रहे, लेदर स्ट्रैप पहन रहे हैं तो पहनिए, वॉच जरूर पहनिए। जब आप अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल चेंज देखेंगे, जब आप रिस्ट वॉच को पहनकर बाहर निकलेंगे, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक अच्छा सा फीलिंग का एहसास होगा। वॉच अच्छी है, आप उसके साथ समय देखेंगे तो आपको समय की कीमत का भी एहसास होगा कि बहुत जल्दी समय जा रहा है, आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे।